क्या महेश भाई, दोस्तों मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए 18 सितंबर 2024 की दोपहर 1:42 पर दैत्य गुरु शुक्र कन्या राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और तुला राशि में 12 अक्टूबर 2024 तक इनका गोचर होने वाला है। इस समयावधि में सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग प्रभाव भी डालने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार इनको दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। शुक्र को व्यापार, काव्य कला, संगीत, गृहस्थ सुख, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और यात्राओं का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। अगर किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, जीवन में कई प्रकार की सफलता देते हैं। देखिए कुंडली में शुक्र अगर बलवान हो तो जातक की वाणी और जातक का जो व्यक्तित्व होता है आकर्षण से भरा हुआ होता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से व्यापारिक जीवन में सफलता और वाणी से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है। शुक्र अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति मृदुभाषी होता है, वैवाहिक जीवन में शुभता देखने के लिए मिलती है। शुक्र अगर बलवान हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख ऐसा व्यक्ति कम प्रयासों में ही अर्जित करता है। और कुंडली में शुक्रदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पीड़ित अवस्था में शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में परेशानियां, पति पत्नी के बीच में मतभेद लगे रहते हैं और जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो शरीर में कई प्रकार की समस्याएं भी होती है, काम शक्ति कमजोर हो जाती है, यौनांगों में जननांगों में बीमारियां भी होती है, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव आपके धन भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। 18 सितंबर 2024 को आपके सातवें घर में इनका गोचर होने वाला है। सप्तम घर में मूल त्रिकोणस्थ होकर ये विराजित होंगे तो पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग मालव्य नाम का राजयोग मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 12 अक्टूबर 2024 तक का समय कई मामलों के लिए सफलता, उन्नति और लाभ के अवसर आपके जीवन में देने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मोर्चे पर आपको नए अवसर और आशाजनक प्रगति आपको मिलने वाली है। शुक्र आपके सप्तम घर में विराजित रहेंगे, इनकी दृष्टियां जो है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण और मनोबल के वृद्धि मिलने वाली है। वर्तमान समयावधि में जो आपकी वाणी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें आकर्षण की स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। इसकी वजह से वर्क प्लेस पर आप प्रगति अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं।
शुक्र सप्तम घर में मालव्य राजयोग बनाए हुए हैं, तो व्यापारिक क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हुई है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और व्यापार भी आपका खूब अच्छी तरह से इस समयावधि में चलने वाला है। सातवां घर जो होता है वो पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का और दैनिक आय का होता है। देखिए, धन भाव के स्वामी हैं, सप्तम घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपको पूर्व समयावधि से प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक मामलों में आपको लगातार नेगेटिविटी मिल रही है, यानी इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक धन को लेकर अगर आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में धन की वृद्धि भी देखने के लिए मिलने वाली है। मालव्य राजयोग का प्रभाव रहेगा तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में यहां पर बेहतर सफलता मिलने वाली है। जो व्यक्ति प्रेम संबंधों में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके जीवन में शुभता मिलने वाली है तथा वैवाहिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है इस समयावधि में अपने पार्टनर के साथ आप कीमती पलों को बिताने के लिए समर्थ रहने वाले हैं। और साथ में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर ऐसे व्यक्ति जिनका वैवाहिक जीवन में जुड़ाव नहीं है, अगर आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, यहां पर मालव्य राजयोग जो आपकी राशि के सप्तम घर में एक्टिवेट है आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव लाने के लिए भी सहायक रहने वाला है। यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने का योग भी यहां पर बनने वाला है। और इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में भी समय बेहतर रहने वाला है। अगर आपको पूर्व समयावधि से महिला वर्ग आप हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, या इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समयावधि में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में आपको शुक्रदेव का जो प्रभाव है फिटनेस के रूप में विशेष शुभता दिलाने वाला है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आप अपने आप को फिट महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव का प्रभाव देखिए विदेश संबंधित कामों में भी शुभता देने वाला है और यात्राओं से भी आपको लाभ देने वाला है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु शुक्र जो लग्जरी के कारक और सभी प्रकार के सुविधा के कारक माने जाते हैं आपके जीवन में राजयोग बनाकर इस समयावधि में विशेष सकारात्मकता आपके जीवन में देने वाले हैं। इस समयावधि में अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए कुंडली में शुक्र की महादशा काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी 19 वर्षों के लिए होती है, तो ऐसे में इस समयावधि में अगर आपके ऊपर महादशा चल रही है और बुरा परिणाम दे रही है तो आपको कुछ विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपको इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। वैवाहिक देरी और पूर्व में जो हमने आपको शुक्र के पीड़ित प्रभाव की जानकारी दी, अगर आपके ऊपर ये दिखाई दे रहा है तो इस समयावधि में सफेद चीजों का दान करना शुक्रवार के दिन शुभता देने वाला है। दही, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। ओम सोम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना, कन्याओं का पूजन करना जीवन में शुभता देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।